लखनऊ में सैकड़ों छात्रों ने पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में प्रदर्शन किया, जहां 40 जवानों की शहादत के बाद लोगों में बेहद नाराजगी है, जिसे जाहिर करने के लिए छात्रों ने कॉलेज कैंपस में मार्च निकाला। छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर शहीद जवानों को याद किया। उसके बाद एक जुलूस की शक्ल में नारे लगाते हुए आगे बढ़े। वहीं कॉलेज की छात्राओं ने भी इस मार्च में हिस्सा लिया और अपने हॉस्टल से निकलकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सरकार से आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की। हमारे 42 लोगों को शहीद किया है, उनकी मौत से, उनके खून से हमें बदला चाहिए और पूरे देश को बदला चाहिए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गुरुवार को हुए आतंकी हमले में राजस्थान के धौलपुर के रहने वाले CRPF जवान भागीरथ भी शामिल है। शहीद भागीरथ सिंह 6 साल पहले CRPF की 45वीं बटालियन में भर्ती हुए थे। जिनके शहीद होने की खबर मिलते ही उनके घर पर कोहराम मच गया और परिजन मातम मनाने लगे। भागीरथ के शहीद होने की जानकारी मिलते ही गांव की महिलाएं भी शहीद के घर पहुंचने लगी और परिवार को ढांढस बंधाने लगी। शहीद के परिजनों ने उनके बच्चों के लिए सरकार से मदद की गुहार लगाई। सरकार दीजिए, मांगते साहब, एक बच्चा है, उसको पालन पोषण, एक बच्ची है और बाको पालन पोषण, भाई की कुछ नौकरी चाकरी हुए। वहीं भागीरथ के शहीद होने की जानकारी मिलते ही गुस्साए लोग पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। शहीद भागीरथ के परिवार में उनकी पत्नी, चाचा और चाची के अलावा 3 साल का एक बेटा और 2 साल की बेटी है। कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए CRPF के जवान रोहिताश लांबा की शहादत की खबर देने गए अधिकारियों पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। शहीद जवान के गांव वाले शहादत की खबर देर से देने की वजह से नाराज हो गए और जैसे ही पुलिस के अधिकारी रोहिताश लांबा की शहादत की खबर देने उनके गांव गोविंदपुरा पहुंचे, लोगों ने पुलिस और प्रशासन के लोगों को घेर लिया। गांव वाले और परिवार के लोग अधिकारियों से शहादत की देर से खबर देने की वजह पूछने लगे। गांव वालों के विरोध के बावजूद अधिकारी वहां लोगों को समझाने में जुटे रहे, लेकिन गांव वालों ने उनकी एक नहीं सुनी। लोगों के विरोध के बाद पुलिस वालों और अधिकारियों को वहां से जाना पड़ा, जिसके बाद गम में डूबे परिवार वालों ने पाकिस्तान से बदला लेने की मांग की। भारतीय गवर्नमेंट से और माननीय प्रधानमंत्री जी से यही चाहते हैं कि जो ये हमारा लाल शहीद हुआ है, उसका बदला वो पाकिस्तान से ले। वहीं शहीद रोहिताश लांबा के गांव वालों ने सरकार से एक शहीद के बदले पाकिस्तान के 10 सिर मांगे। नरेंद्र मोदी जी से कि एक के बदले 10 सिर लेके आए पाकिस्तान। जयपुर के गोविंदपुरा के रहने वाले शहीद रोहिताश लांबा 2011 में CRPF में भर्ती हुए थे।